पाकिस्तान और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सब को भी असलामकुम कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है और आपने एंड तक लाज भी देखना है तो जी स्टार्ट करते हैं आज है ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग निकले थे और ये आपको जो ख़ूबसूरत सा नज़र आ रही है खूबसूरत सी बिल्डिंग्स ये हैं जी गीगा मॉल वाली साइट ना मतलब गीगा मॉल का नाम ही काफ़ी है ना ये वो साइट है तो ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम था आसमान कितना ख़ूबसूरत लग रहा था बिल्डिंग्स जो नई बन रही थी वो कितनी खूब खूबसूरत लग रही थी अच्छा ये मैं मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा ना बड़ा ही प्यारा लगा तो मुझे लगा आप लोगों को भी दिखाऊं जो आ, पिंडी से बाहर के लोग हैं लाहौर कराची वाले या बाहर के वो भी जरा देखें हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है कसम है मुझे तो अपना पाकिस्तान बड़ा ही प्यारा लगता है तो जी स्टार्ट करते हैं ये हम लोग आए हैं एथनिक पे और एथनिक पे बड़े ही खूबसूरत ड्रेसेस जैसे मैं आपको पहले भी बताती हूँ एथनिक और सनासपीनाज ये जो दो ब्रांड है ना बस में हद है मतलब इतने कोई अच्छे लगते हैं इनके ड्रेसेस कि मैं आपको क्या ही बताऊं यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत ड्रेसेस हैं तो जी ये आप देख सकते हैं ये लॉन्ग फ्रॉक है जो मेरे मतलब फेवरेट होते हैं ना ऐसे ड्रेसेस तो मुझे बस अगर किसी ने मुझे गिफ्ट करना हो ना तो बस मुझे ऐसे लॉन्ग फ्रॉक गिफ्ट कर दिया करें <laughs> क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना तो मैं तो जब भी जाती हूँ तो मैं तो बस सबसे पहले इन्हीं को उठाती हूँ ना तो जी ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेसेस बड़े खूबसूरत थे बड़े प्यारे थे एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी थी कट्स बड़े खूबसूरत थे और मैं देख रही थी कुछ ऐसे हों जो क्योंकि अब जैसे गर्मियाँ एंट्री मार रही हैं ना तो ज़रा लॉन्स टप में हो जो आगे भी चल के काम आए ना तो फिर यहाँ से मुझे दो ड्रेसेस पसंद आई तो वो फिर मैं आपको इन वो भी दिखाऊंगी जो मैंने ईद की शॉपिंग की है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको और आ, ये देखें जी बाकी आप ये वाले ड्रेसेस देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं अथनी के ना कलर्स इतने मज़े के हैं अच्छा मैं ऐसे ड्रेसेस देख रही थी कि जो ना ईद के गर्मियों के हिसाब से उमी कि वो फैंसी टाइप के ना हो ज़रा मौसम अच्छा हो ना फिर ये फैंसी टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं वो पहन के मज़ा आता है जैसे मुझे पसंद हैं ऐसे कपड़े जो ब्लैंक कर रहे हों चमकीले भड़कीले टाइप के जो होते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन गर्मी में क्या होता है कि वो फिर पहने नहीं जाते और वो बस फिर अलमारीयों में ही पड़े रह जाते ते हैं तो मैं फिर सोच रही थी इस दफ़ा ना मुझे ज़रा लोन लॉन्सट में ही लेने हैं ड्रेसेस तो फिर ये देखें इनमें आप कलर्स देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स हैं ना लाइट लाइट से कलर हैं बड़े ही खूबसूरत और लूज लूज स्टाइल में बनी हुई इस दफ़ा मैंने देखी लूज स्टाइल में इनके कुर्ते हैं आ, अगर जैसे मेरा स्मॉल साइज है तो स्मॉल साइज़ में भी इतने खुले खुले से ड्रेसेस थे कि मतलब वो लग रहा था देख के कि मीडियम है फिर वो मुझे देखती नहीं यार ये तो स्मॉल है और स्मॉल में इतने लूज लूज़ कट्स थे ना तो इस दफ़ा जी ये फैशन में इन हैं लूज लूज़ ड्रेसेस ना तो पहन के भी बड़े खूबसूरत लगते हैं तो इनमें से फिर मैंने दो ड्रेसेस ले ली फिर मैं आ गई सना सफीनाज पे सना सफीनास ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है फिर यहाँ से भी ड्रेसेस लिए हैं तो यहाँ का तो बस क्या ही बताऊँ दिल तो करता है सारे ड्रेसेस उठा लूँ पर क्या करूँ इतने महंगे इतने महंगे हैं कि बस नहीं फिर नहीं कर सकते खैर यही होता है कि ईद है कोई फंक्शन है तो फिर तो ऐसे ड्रेसेस हम लोग ले लेते हैं अदरवाइज़ गर्मियों में घर पहनने के लिए तो जी मैं लोकल ही लेती हूँ और लोकल ले कर स्टिच करवा लेती हूँ और मतलब ईदें हैं या इस तरह का कुछ है तो फिर खुशी ही, ही होती है कि आप रेडीमेड ले लेना ले ना ड्रेस ड्रेसेस वो बेस्ट रहती है ना क्योंकि कपड़ा लेके स्टिच कराओ फिर वो जो इतना ख़र्चा हो जाता है ना लेसिस पे डिज़ाइनिंग पे और जब फिर दर्जी नखरे दिखाता है और इतने दिन पैसे मांग लेते हैं कस्में उससे तो बेहतर है कि जाके बस प्रत ड्रेसिस उठाओ और बस घर आ जाओ तो बस ये कि गर्मियों में ये है कि बड़े खूबसूरत गर्मियाँ पता है मुझे इसलिए पसंद है गर्मियों में एक मुझे ये लॉन् की ड्रेसिस इनके कलर्स मज़े के लगते हैं और एक मैंगो पसंद है ना अदरवाइज मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो सर्दियों सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है तो जी ये देखें ये कितना प्यारा कलर है लाइट सा बड़ा ही खूबसूरत ये सारे सनासा पीनास के हैं आ, बहुत ही ख़ूबसूरत कलर्स और मतलब क्या करूँ <laughs> बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं इनके ये देखें इनके प्रिंट्स और ये देखें प्राइजेस बहुत हाई थी जी बहुत हाई प्राइजेस थी ये मैं आपको बता दूं लेकिन कभी कभार लेने के लिए ना ठीक है कभी कभार अगर आप लेते हो तो ठीक है ना इत पे तो बनता है ना कि थोड़े से महंगे ड्रेसेस अच्छे ड्रेसेस पहन लें तो ये देखें आप कितने खूबसूरत कलर हैं इसके बाद फिर हम घर आए फ़ौन अफतारी की इफतारी के बाद ना फिर खाने का टाइम हो जाता है क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट खाते हैं तो फिर मैंने बनाया फटाफट कढ़ाई बना ली थी मटन कढ़ाई और साथ में मैंने ना टिंडे गोश्त बना लिए थे और कस्में मैं जब भी अपनी सहेलियों को बताती हूँ ना मैंने टिंडे गोश्त बनाया है वो तो आगे से इतने गंदे गंदे मोजीज मुझे भेज रही होती है हाँ टिंडे कौन खाता है और आप यकीन करें मेरे मोस्ट फेवरेट है टिंडे मुझे इतने पसंद है और ये गोश्त में मैंने बनाए इतने कोई अच्छे बने इतने कोई अच्छे बने कि मज़ा आ गया खाना खाने का मैं रात को मोस्टली खाना नहीं खाती लेकिन टिंडे बने हुए थे तो वो मैंने टिंडे गोश इतने मज़े ले ले के खाना खाए मेरे तो पेट भर जाता है सच्ची पूछे तो जी ये देखे हमारा खाना भी बन गया अभी ईद की काफ़ी सारी और भी शॉपिंग रहती है फिर कर लूँ फिर आपको सारी मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा अभी जूते रहते हैं अभी बहुत चीज़ें रहती हैं तो वो जब कंप्लीट हो जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी ड्रेसेस तो मैंने ले ली अब उसके साथ मैचिंग जो भी सारा कुछ होगा ना वो फिर मैं ले लूँ तो फिर मैं आपको उसका पूरा व्लॉग दिखाऊँगी तो जी हमारा खाना भी रेडी हो गया उम्मीद करती हूँ आपको आज की आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज